चलो देखो, मैंने कल पढ़ाया था आर्टिकल 34 के तहत क्या लगता है मार्शल लॉ इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, मार्शल लॉ कब इम्पोज कर सकते हैं? आर्टिकल 34 ये कहता है कि मार्शल लॉ जब इम्पोर्स होगा तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे और कौन कौन से ऑपरेशन में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल 34 में हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बना सकती है कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 34 के तहत जो है वो इम्पोज की वॉयलेट हो सकते हैं और वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इस पे, क्या कहा कि इवन इवन इफ देयर इज अ मार्शल लॉ, उसके बावजूद भी हैबियस कॉर्पस का राइट सिटीजन से नहीं छीना जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि मार्शल लॉ भले ही लगे लेकिन हैबियस कॉर्पस जो है वो इशू की जा सकती है, ये रिट। ठीक है, क्वेश्चन किया जा सकता है कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर हटा दिया जाएगा उसकी पोजीशन से तो तब भी वो क्वेश्चनेबल होगा। ठीक है, ऑन द ग्राउंड कि हैबियस कॉर्पस इशू की जाए कि ये गलत तरीके से उनको डिटेन किया गया है, मार्शल लॉ में उनको अरेस्ट किया गया है या उनको सस्पेंड किया गया है परमानेंटली। ठीक है, तो बेटा मार्शल लॉ जो है ये नेशनल इमरजेंसी से बहुत डिफरेंस है। मार्शल लॉ में बेसिकली क्या होता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट अफेक्ट होते हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट भी सेंटर स्टेट रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी अफेक्ट हो जाती है। और स्टेट्स एंड मे एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट, और इसमें पार्लियामेंट का टेन्योर भी क्या हो सकता है, एक्सटेंड बढ़ा दिया जा सकता है। मे एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें हम इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे यहाँ पर। सही टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट सेकेंड डिफरेंस है इसमें मार्शल लॉ में और इसमें, कि सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। मार्शल लॉ जब इम्पोज होगा तो इट सस्पेंड्स द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट। ये गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देता है जब मार्शल लॉ इम्पोज में रहता है और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट, लेकिन इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता, ये गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं करता, इट कंटिन्यूज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब कौन सी वाली की बात कर रहा है, सेंटर पे जो है कंटिन्यूज द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट। मार्शल लॉ जब इम्पोज होगा तो गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं रहेगी, वो सस्पेंड कर दी जाएगी, और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट भी। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसमें ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट भी चलेंगे और गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होगी। ठीक है, अच्छा मार्शल लॉ क्यों क्यों इम्पोज किया जाता है, जब किसी भी तरह का ब्रेकडाउन ऑफ लॉ हो। ठीक है, इफ देयर इज एनी ब्रेक डाउन ऑफ लॉ, ये तब इम्पोज किया जाता है जब ब्रेकडाउन ऑफ लॉ हो जाए वाइड स्प्रेड, तो मार्शल लॉ उस एरिया में लगा दिया जाता है। ठीक है, ये तभी इम्पोज होता है। और इमरजेंसी बेटा हर बार ऐसी अपनी मर्जी से नहीं इम्पोज की जा सकती है, इसके तीन ग्राउंड है। कब कौन कब कब इम्पोज हो सकती है, इट कैन बी इम्पोज ओनली, इट कैन बी इम्पोज ओनली थ्री ग्राउंड। कौन कौन से? वॉर, या तो हमारा किसी से वॉर चल रहा हो, ठीक है, और एक्सटर्नल एग्रेशन हो, किसी ने हम पे हमला कर दिया हो एक्सटर्नली, एक्सटर्नल अग्रेशन हो, या फिर
और क्या हो सकता है, आर्म्ड रिबेलियन हो, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। अगर आर्म्ड रिबेलियन हो, तीन ग्राउंड पर ही हो सकता है, वॉर, सेकंड एक्सटर्नल अग्रेशन, बाहर से किसी ने हमला कर दिया है, या आर्म्ड रिबेलियन हो गया है, ठीक है, तब ये इम्पोज किया जा सकता है। मार्शल लॉ और इमरजेंसी में अगेन एक और अंतर है, दैट इज इट कैन इम्पोज ओनली, इट कैन बी इम्पोज ओनली ऑन स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री। ये किसी भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री पे क्या हो सकता है, इम्पोज हो सकता है, लेकिन इमरजेंसी जो है ये पूरी कंट्री में होगी। लेकिन इमरजेंसी क्या होगी, या तो इट कैन बी इम्पोज होल ऑफ द कंट्री, या तो एंटायर कंट्री पे, और एनी पार्ट ऑफ इट। इसके कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ के, सिर्फ आर्टिकल 34 में इसकी बात होती है कि मार्शल लॉ अगर इम्पोज होगा तो फंडामेंटल राइट्स पे क्या असर पड़ेगा। इसका एक तो इट हैज नो स्पेसिफिक प्रोविजन, नो स्पेसिफिक प्रोविजन, या कह सकते हो, देखो इसके बारे में तुम लिखो, इसे यही लिख लो, नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिए गए हैं, ये बात याद रखना, कि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि मार्शल लॉ हैज बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, यस इट इज गिवन, नो, या कुछ भी रीजन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें नन ही लगाना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मार्शल लॉ नहीं है, ये इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट मतलब बाहर से है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कोई प्रोविजन होगा तो उसमें से लगेगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर किसमें प्रोविजन है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया भाई, अब एएफ एसपीए बनाया इन्होंने, एएफ एसपीए एक्ट, ठीक है, यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसके तहत तो लग सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कोई प्रोविजन नहीं दिए गए हैं। लेकिन इमरजेंसी के जो प्रोविजन है स्पेसिफिक और डिटेल है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस आर या फिर हैज बीन गिवन एज डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक, डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक प्रोविजन। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, इसमें ये दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर इमरजेंसी कब लगी है और क्यों लगी है। तो बेटा पहले तो ये जान लो इमरजेंसी और मार्शल लॉ में अंतर क्या है। मार्शल लॉ जब लगता है तो इस पे सिर्फ फंडामेंटल राइट पे ही इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट भी अफेक्ट होंगे, यानी कि आपके हटा दिए जाएंगे फंडामेंटल राइट, सेंटर स्टेट रिलेशन खराब हो जाते हैं, ठीक है, वो सब एग्जीक्यूटिव अपने हाथ में ले लेता है यूनियन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू अफेक्ट हो जाता है,
लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ये भी अफेक्ट हो जाती है कि लॉ जो बना पाएगा वो सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाएगी, उस समय स्टेट लेजिस्लेचर को अनुमति नहीं होती। नेक्स्ट है, इट सस्पेंड गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ। जब मार्शल लॉ उस एरिया में लगेगा तो उसकी उस एरिया की गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाएगी और उसके लॉ कोर्ट भी। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स भी चलते रहेंगे। नेक्स्ट है, ये कब लगाया जाता है, रीजन क्या होता है, अगर किसी जगह पे ब्रेक डाउन हो गया, जैसे कि मणिपुर में हो रहा है, मार्शल लॉ तो हमने नहीं लगाया, स्टेट गवर्नमेंट अभी भी है, बट क्योंकि अब ये जो है ये वाला एक्ट AFFSPA इसके तहत वहां पर क्या रुकी हुई है, वहां पर आर्मी है, ठीक है, तो वो सब कंट्रोल कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ हो गया है वहां पे, लोग क्या कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं बहुत बड़े स्तर पे, तो इसलिए वहां पे ये लगा दिया इन्होंने मार्शल लॉ काइंड ऑफ, ठीक है, लगा पूरी तरह से नहीं लगाया हुआ है, बट सम पार्ट में आर्मी है, स्टेशन कर रही है वहां पे। लेकिन नेशनल इमरजेंसी आप तभी इम्पोज कर सकते हो या तो वॉर छिड़ गया हो, या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन हो, और या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो। एक्सटर्नल अग्रेशन यानी किसी ने बाहर से हमला कर दिया, और आर्म्ड रिबेलियन मतलब हमारे यहाँ पे ही विद्रोह हो गया है, किसी ने विद्रोह कर दिया है, ग्रुप ऑफ पीपल ने बहुत ज्यादा उसमें जैसे कहते ना कि हमला वमला करके आर्म्स वगैरह लेके हमला कर दिया है, या फिर आर्मी का जो रिबेलियन हो जाता है तब लगा दी जाती है, ठीक है। फिर इट हैज नो स्पेसिफिक प्रोविजन, बेटा इसकी कोई वो नहीं है स्पेसिफिक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखा ही नहीं है कहीं पे मार्शल लॉ ये होता है, ठीक है। हमने कल भी पढ़ा था कि इसका मीनिंग तक नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्शल लॉ, बट हम उसकी लिटरल मीनिंग निकाल सकते हैं कि इट इज रिलेटेड टू मिलिट्री, ठीक है। तो एमरजेंसी प्रोविजन, लेकिन एमरजेंसी के प्रोविजन जो है आर्टिकल 352 में बहुत एक्सप्लिसिटली दिए हुए हैं, ये इम्प्लिसिट है और ये एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लेन करके डिटेल करके दिए हुए हैं। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे कब एमरजेंसी लगी है, बेटा हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही बार एमरजेंसी लगी है, 1975 से 1977 तक 21 महीने तक ये एमरजेंसी रही थी और लगाई गई थी नन अदर देन हमारी आयरन लेडी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है। क्यों लगाई थी, इसका रीजन मैं बताती हूँ, वो अपनी गवर्नमेंट को उस समय बचाने की कोशिश कर रही थी, उस समय उन्होंने ये लगाई थी, इसका मैं रीजन बता देती हूँ। चलो तो शॉर्ट स्टोरी है, 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आने वाला था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आने वाला था, और उस जजमेंट में जो है इंदिरा गांधी को मेल प्रैक्टिस के लिए, यानी के मेल प्रैक्टिस क्या होती है कि गलत तरीके से उन्होंने क्या किया है, इलेक्शन को जीतने की कोशिश की है, उसमें उन्हें कन्विक्ट किया गया था। और कन्विक्ट क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर कोई बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कन्विक्ट होता है, इवन इट इज प्रधानमंत्री, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है पार्लियामेंट से। तुमने देखा है किस किस के केस में देखा है, राहुल गांधी के केस में देखा होगा कि जैसे ही सूरत कोर्ट का वहां का जजमेंट आया तो उनकी लोकसभा की अगले दिन ही सदस्यता निरस्त कर दी गई थी, पता है तुम लोगों को। ऐसे ही 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, उस वर्डिक्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को कन्विक्ट किया था। कन्विक्ट मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना, दोषी ठहराया था कि उन्होंने गलत तरीके से चुनाव को जीतने का प्रयास किया था, और क्योंकि कन्विक्शन हो गया था उसकी वजह से उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता क्या होनी थी, रद्द होनी थी, और 6 साल तक, अगले 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी। इस वर्डिक्ट के बाद शी बिकेम के मतलब इस वर्डिक्ट को मैं नहीं मानती, ठीक है, ओपनली उन्होंने ये बात ना कह करके उन्होंने वहां तब प्रेसिडेंट जो थे उस समय, उसका नाम फखरुद्दीन अली था शायद, जो उस समय प्रेसिडेंट है, मैं नाम भी बता रही हूँ तुम लोगों को देख के, हाँ फखरुद्दीन अली जो प्रेसिडेंट थे,
इन्होंने आर्टिकल 352 के तहत उनसे क्या कहा, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। तुम्हें पता है प्रेसिडेंट अपने आप इमरजेंसी कभी डिक्लेयर नहीं कर सकते, कौन कौन एडवाइस करेगा उन्हें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री अगर उनको एडवाइस करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति के बाद ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। तो उस समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन बन गया, मतलब किसने भूमिका निभाई, इंदिरा गांधी ने, और इंदिरा गांधी ने उनसे फखरुद्दीन अली से इमरजेंसी लगवा दी। अब इमरजेंसी के इफेक्ट क्या क्या रहे, तुम्हें पता है क्या क्या हुआ था? जितने भी ओपोजिशन पार्टी के लीडर थे सबको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था, जितने भी मीडिया पर्सन इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रहे थे उन सबको जेल में डाल दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे थे, किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, बाहर आने जाने की अनुमति नहीं थी, लॉकडाउन से भी खराब हालात उस समय हो गए थे। इवन इफ इन लॉकडाउन तुम लोग अपना फोन तो चला ही रहे थे, न्यूज़पेपर तो छप ही रहे थे, ठीक है, बाकी सारी चीजें तो हो रही थी, लॉकडाउन से भी बेकार हालात उस समय हो गए थे। और 1975 में इमरजेंसी हमारे यहाँ लगी थी और 21 महीने ये चली थी। और फखरुद्दीन ने क्या कारण बताया था, तुम कह रहे हो कि 352 में तो जी ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी थी, वॉर था क्या उस समय? हाँ भाई वॉर था, 1975 में जब इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर की इमरजेंसी तो वॉर चल रहा था क्या हमारे किसी से? नहीं चल रहा था, किसी ने हमला किया था, आर्म्ड रिबेलियन हुआ था? नहीं हुआ था। जब तक तीनों चीजें नहीं हुई 352 के तहत तो इमरजेंसी क्यों लगी? अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, ठीक है, वो अपनी गवर्नमेंट को क्या चाह रही थी कि बच जाऊं मैं, तो उन्होंने क्या किया इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी के बाद सेंटर वेंटर सब वो स्टेट रिलेशन सब खत्म हो जाते हैं, स्टेट की जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ जाती है। मान लो अभी इमरजेंसी लग जाती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं रहेंगे, समझ रहे हो, मतलब उनसे लॉ बनाने की पावर छीन ली जाएगी सभी स्टेट से। लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। मतलब अगर हमारे यहाँ पे जैसे लॉकडाउन में सेंटर जब तक लॉकडाउन नहीं हटा रहा था तब तक हमारे स्टेट में लॉकडाउन नहीं हटाना, जब तक अमित शाह जी रोज नहीं कह देते थे आके कि आज ये इनको राहत मिल रही है, ये दुकानें खुलेंगी, तब तक नहीं खुली ना, तो उस समय कौन पावरफुल हो जाता है? सेंटर। अगर सेंटर प्रधानमंत्री की तरफ से ऑर्डर नहीं आएंगे तब तक स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था, सारे सबको अरेस्ट कर लिया गया था, जो उस टाइम के अभी भी जीवित है ना जिन्होंने इमरजेंसी देखी है, उन लोगों का देखना कोई ब्लॉग पड़ा हो कहीं तो वो बताते कितना भयानक टाइम था वो, ठीक है, लॉकडाउन से भी बुरा टाइम था। तो बेसिकली ये था और यही इमरजेंसी है, इसे हम 352 आर्टिकल जब आएगा ना उसमें भी और अच्छे से एक बार मैं और तुमको याद दिला दूंगी कि कब लगी थी क्यों लगी थी, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था, इंटरनल वो है रिबेलियन, ये आएगा आर्टिकल 352 इमरजेंसी प्रोविजन जो है, ये मैं तुम्हें फिर 352 में भी बताऊंगी। इसके बाद बेटा सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में कहा था, 1978 में फिर मिनर्वा मिल केस आया, मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल इमरजेंसी कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 1978 में इन्होंने क्या किया, एक वो लेकर आई एक्ट 1978 में कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो चैलेंज नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट में। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया था मिनर्वा मिल केस में कि हो सकती है कि मैलाफाइड इंटेंशन से हुई है, मतलब आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी जब आपने इमरजेंसी लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट तो तुम्हें बताइए हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इसे आर्टिकल 352 में और अच्छे से पढ़ेंगे, बट डिफरेंस तुम समझ लेना क्योंकि मार्शल लॉ था इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया इमरजेंसी, बाकी इमरजेंसी के 352, 356, 360 ये सब हमें आगे पढ़ना है, ठीक है।